किसी भी पार्टी को इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का जो राइट होता है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलता है, यानी कि हु गिव्स रिकॉग्निशन, कौन देता है रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टीज को, दैट इज इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जिन भी पार्टीज को इलेक्शंस में लड़ने का राइट देता है उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज करना मतलब रिकॉग्निशन देना। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, चाहे वो नेशनल है चाहे वो स्टेट। ठीक है, कौन सी पार्टी नेशनल होगी कौन सी स्टेट होगी, उसको क्या रिकॉग्निशन देनी है, क्या सिंबल देना है, ये डिसाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें बेटा आप इंटर डिफरेंस भी आप कर सकते हो, अलग से भी आ सकता है, लाइक राइट अ नोट ऑन नेशनल पार्टीज, राइट अ नोट ऑन स्टेट पार्टीज और इंटर डिफरेंस, इंटर डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस भी आप मतलब कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टीज क्या होती। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर एग्जाम्पल मतलब हमारी कंट्री में जैसे मैं दो एग्जाम्पल बताती हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बीजेपी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल से हम करेंगे नेशनल पार्टीज जो पूरी कंट्री यानी कि ऑल ओवर कंट्री में जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती। दीज पार्टीज विच हैव देयर ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब होता है ऐसी पार्टीज जिनकी ब्रांचेस जो हैं वो हर स्टेट्स में। ठीक है, ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स, ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, पहले हम नेशनल पार्टी करते हैं डिटेल में, उसके बाद हम करेंगे स्टेट पार्टी। यानी कि नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसकी ब्रांचेस जो हैं वो सभी स्टेट्स में है, जैसे पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तो हर एक स्टेट में इनकी ब्रांचेस होती हैं, इनके पार्टी ऑफिस होते हैं। ठीक है, एंड इनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो नेशनल लेवल पे डिसाइड की जाती, जो पार्टी की स्ट्रेटजी है। ठीक है, वो नेशनल लेवल, यानी कि ये पार्टी वो इश्यूज लेती है जो नेशनल लेवल, नेशनल लेवल का मतलब होता है जो पूरी कंट्री के रिलेटेड होते हैं, पूरी कंट्री से रिलेटेड होते हैं, नेशनल लेवल स्ट्रेटजी। इनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो नेशनल लेवल जो है उसके अकॉर्डिंगली जाती है। ठीक है, एंड ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये नेशनल इश्यूज लेती हैं, नेशनल इश्यूज, ये वो इश्यूज लेते हैं जो पूरी कंट्री की प्रॉब्लम होती है, किसी पर्टिकुलर एक स्टेट की नहीं होती, ये पूरी कंट्री के इश्यूज जो हैं उनको अपने मैनिफेस्टो या जो उनका जो भी पैम्फलेट होते हैं, जो इलेक्शंस का इश्यूज होते हैं, ठीक है, उसमें लिया जाता है। अब नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ कंडीशंस, क्या कंडीशंस इलेक्शन कमीशन ने रखी हैं, और ये कंडीशंस जो हैं वो हर पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए जो है कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं या कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता, यानी कि एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, इट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो सबसे पहले हमने क्या बताना है कि जब, अब ये डिसाइड कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, और ये डिसाइड बेसिकली किया जाता है इलेक्शंस के रिजल्ट, जो इलेक्शन जब कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो ये इलेक्शंस के रिजल्ट जो है उस पे जो है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। अब सबसे पहले बच्चे आपने इसमें क्या बताना है कि कंडीशंस कौन सी हैं, पार्टी दैट विंस एटलीस्ट 4 सीट्स, यानी कि वो पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस उसको मिलता है, उसकी रिकॉग्निशन मिलती है जिसको एटलीस्ट इलेक्शंस में कितनी सीट्स मिले, 4 सीट्स इन लोकसभा, क्योंकि हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्शंस के टाइम पीरियड में, लोकसभा के इलेक्शंस में, ऐसी पार्टी जिस पार्टी को एटलीस्ट 4 सीट्स मिलती हैं, 4 सीट्स मिलती हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट 4 एमपीज, उस पार्टी के 4 एमपीज जो हैं वो बनते हैं, तो उस पार्टी को क्या मिलता है, स्टेटस मिलता है नेशनल पार्टी को।
अदरवाइज हमारे कंट्री में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी के एटलीस्ट 4 एमपीज लोकसभा में है तो उस पार्टी को कौन सी रिकॉग्निशन मिलती है? नेशनल पार्टी। ठीक है, सीट्स की बात करें तो, अगर सीट्स की बात करें तो कितनी सीट्स चाहिए? 4 सीट्स। लेकिन अगर वोट्स की बात की जाए, अगर बाय चांस 4 सीट्स या और, इसका मतलब क्या है, और सेकंड कंडीशन या वोट्स की बात की जाए तो 6% ऑफ टोटल वोट्स, 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस, यानी कि ऐसी पार्टी को भी इलेक्शन कमीशन जो है वो नेशनल पार्टी का स्टेटस दे सकता है। जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो जितने टोटल वोट्स हैं उन वोट्स का 6% एटलीस्ट उस पार्टी की फेवर में हो, ठीक है, तो भी उस पार्टी को क्या मिल सकता है? नेशनल पार्टी का स्टेटस। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट कंडीशन क्या है, या तो कोई पार्टी जो नेशनल पार्टी बनना चाहती है उसकी एटलीस्ट 4 सीट्स, यानी कि उसके 4 एमपी जीते और वो पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होगी बाय द इलेक्शन कमीशन। या फिर अगर वोट्स की बात करें तो 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शंस में, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जैसे लास्ट 2019 में जब इलेक्शंस हुए तो उन इलेक्शंस में उस पॉलिटिकल पार्टी को टोटल वोट्स का, जितने भी वोट्स पड़े उसका 6% उसकी फेवर में, यानी कि उनके जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी फेवर में गया हो तो वो पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी की रिकॉग्निशन मिलती, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन सी नेशनल पार्टी, तो और भी हैं, हम बाद में भी करते हैं, लेकिन आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बीजेपी। तो ये है नेशनल पार्टी बनने की जो एक कंडीशन होती है, या जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जो है वो बनेगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया अलग अलग है, तो आपको नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, या तो उसको टोटल वोट्स का 6% जो है वो उनकी फेवर में हो, या फिर टोटल सीट्स उस पार्टी को कितनी मिले, 4 सीट्स इन लोकसभा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है नेशनल पार्टी बनने की। क्लियर, इट इज क्लियर, एनी डाउट? रेज योर हैंड, आई एम वेटिंग। नो, ओके, ठीक है। अब हम करेंगे स्टेट पार्टी, यानी कि स्टेट पार्टी की जो रिकॉग्निशन, एक पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी की रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन उसको तभी देता है जब वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपने सपोज ये नेशनल पार्टी है, हमने साथ साथ इसका डिफरेंस भी करते रहेंगे। अगर इस तरफ हमने लिखा है ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स, तो स्टेट पार्टी में हम लिखेंगे स्टेट पार्टी जो है, जो स्टेट पार्टी होती है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट, यहां पे हम करेंगे स्टेट पार्टी, यहां पे है ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में होती हैं। स्टेट पार्टी सिर्फ ओनली इन वन स्टेट, जैसे अकाली दल, ये किसी एक पार्टी एक स्टेट में ही जो है वो होती है, ठीक है, ओनली इन वन, और अगर मैक्सिमम देखा जाए वन और साथ में टू भी लिख सकते हो, और टू, इससे ज्यादा नहीं, जैसे पंजाब या हरियाणा, वन और टू, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे दैट स्टेट पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज आर दोज पार्टीज विच हैव ब्रांचेज इन वन और टू स्टेट, एक या दो स्टेट्स में ही हो सकती है। उनकी स्ट्रेटजी नेशनल लेवल की होती है, इनकी स्ट्रेटजी है स्टेट लेवल, यानी कि स्टेट लेवल पे इनकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इनके इश्यूज नेशनल इश्यूज होते हैं, इनके इश्यूज सिर्फ स्टेट से रिलेटेड होते हैं, जो स्टेट की प्रॉब्लम है। रीजनल पार्टीज जो है वो इश्यूज लेती है जो पर्टिकुलर स्टेट के इश्यूज होते हैं, क्लियर, ठीक है।
और इसमें फिर हम क्या बता सकते हैं, इसकी कंडीशन, इसकी कंडीशन में क्या बताएंगे, दैट वही पार्टी लाइक स्टेट इश्यूज भी कह लो या लोकल इश्यूज भी कह लो, स्टेट और लोकल इश्यूज, क्लियर। अब इसमें हमने क्या बताना है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी या कौन सी पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी बन सकती है, ये डिसाइड किया जाता है असेंबली इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन जो स्टेट के इलेक्शन, जैसे पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के विधानसभा जो अब इलेक्शन होने हैं ना, ये कौन से इलेक्शन होने हैं, पंजाब के विधानसभा के इलेक्शन, पंजाब विधानसभा इलेक्शंस। अब पंजाब के इलेक्शंस होने हैं तो टोटल सीट्स कितनी है पंजाब की, 117, ठीक है, 117 टोटल सीट्स हैं। तो अब जो इलेक्शंस होंगे उन इलेक्शंस के रिजल्ट के ऊपर कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी, रीजनल पार्टी होगी, उसका स्टेटस जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो कोई भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए डिसाइड किया जाता है टू सीट्स, एटलीस्ट उस पार्टी के दो एमएलए, टू सीट्स मतलब टू एमएलएज होने चाहिए। अगर कोई पार्टी रीजनल पार्टी का स्टेटस चाहती है, इलेक्शन कमीशन उसको तभी रीजनल पार्टी का स्टेटस देगा अगर उस पार्टी के एटलीस्ट टू सीट्स या दो एमएलए जो हैं, यानी कि 117 में से एटलीस्ट दो सीट्स उस पार्टी ने जीती हुई, ठीक है। ये तो हो गया सीट्स, यहाँ पे फोर याद रखना, यहाँ पे टू याद रखना। और वोट्स, यहाँ पे हमने कहा है 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, मतलब पूरे इंडिया, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा के लिए। लेकिन यहाँ पे जो वोट्स हैं इसमें परसेंटेज उतनी ही है, परसेंटेज उतनी ही रहेगी, 6% ऑफ द टोटल वोट्स, लेकिन ये होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 6% ऑफ टोटल वोट्स इन विधानसभा इलेक्शंस, विधानसभा इलेक्शंस, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पे आप लेजिस्लेटिव असेंबली भी लिख सकते हो, क्लियर। अब बहुत इजी है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि विच पार्टी इज रेकोगनाइज एज अ नेशनल पार्टी, तो आपने नेशनल पार्टी के पॉइंट्स लिखने हैं। विच पार्टी इज रेकोगनाइज एज स्टेट पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन, तो स्टेट पार्टी के लिखोगे। अगर आपको इंटर डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी, तो आप उनके इंटर डिफरेंस के पॉइंट बताओगे। कंडीशंस आता है तो एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए एटलीस्ट कितनी सीट्स चाहिए, मिनिमम 4 सीट्स इन लोकसभा, और मतलब या फिर 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा। टोटल वोट्स क्या, 6% मिला, ठीक है। स्टेट पार्टी बनने के लिए एटलीस्ट 2 सीट्स, अगर हम कहते हैं पंजाब में 117 सीट्स हैं तो एटलीस्ट 2 सीट्स मिलनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, या फिर 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन विधानसभा। पूरे पंजाब के जितने भी वोट्स हैं, जितने वोट्स पड़े, उसका 6% जिस पार्टी को एटलीस्ट मिलना चाहिए मिनिमम, तो वो पार्टी बनती है रीजनल और स्टेट पार्टी। यहाँ तक क्लियर है, इट इज क्लियर, एनी डाउट? हाँ जी राघव, यस बोलो। मैम अगर कोई पार्टी है जो 3-4 स्टेट्स में अपनी इलेक्शन के लिए स्टैंड कर रही है बट उसको 4 सीट्स नहीं मिलती है लोकसभा में, ना 6% वोट्स मिलती है, तो वो कौन सी पार्टी कंसीडर होगी? वो फिर नेशनल पार्टी नहीं होगी, लेकिन अगर वो स्टेट इसकी इसको क्वालिफाई करती तो वो स्टेट पार्टी होगी। दोनों ये क्वालिफाई कंडीशन, बट वो 4-5 स्टेट्स में वो अपनी इलेक्शन कर रही है, पर ये देखो ना स्टेट्स में, स्टेट्स के इलेक्शंस में होना चाहिए अगर है तो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में तो होगा। अगर किसी एक स्टेट में उसको 2 सीट्स मिल गई हैं, 6% ऑफ द टोटल विधानसभा की सीट मिल गई है, तो वो स्टेट पार्टी हो जाएगी। लेकिन नेशनल पार्टी बनने के लिए एटलीस्ट उसको लोकसभा का क्राइटेरिया फिल करना होगा। स्टेट पार्टी फिल करने के लिए उसको, हाँ जी, चारों स्टेट्स में उसको 2-2 सीट्स मिल गई है, तो फिर वो स्टेट पार्टी होगी, स्टेट ही रहेगी वो स्टेट। अगर नेशनल पार्टी वो तभी होगी वो लोकसभा का क्राइटेरिया फिल करेगी, क्वालिफाइंग मतलब 4 सीट्स इन लोकसभा। क्लियर, इट इज क्लियर, ओके। अब हम आगे करते हैं बच्चे आइडियोलॉजीज,
ठीक है। अब आइडियोलॉजीज, अब हम करेंगे नेशनल पार्टी। सबसे पहले हम नेशनल पार्टीज को कवर करेंगे। हमारी कंट्री में बेसिकली जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलग अलग पार्टीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अब आप हर पार्टी के बारे में आइडियोलॉजी, किसी भी पार्टी की आपको आइडियोलॉजी आ सकती है, ठीक है। तो आपने सभी पार्टीज को अच्छी तरह से रीड करना है, उनके रिलेटेड ईयर्स, उनके फाउंडिंग ईयर्स, ठीक है। किसी भी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग आइडियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले AITC नंबर वन। हाँ जी मैडम, यस मैम, जैसे ये टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे नेशनल और स्टेट, तो जो हमने पहले की थी कि सिंगल पार्टी, बाय पार्टी, वो पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, ठीक है। अब आ जाइए सबसे पहले नंबर वन, नेशनल पार्टी AITC। AITC की फुल फॉर्म ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। AITC की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्लियर। अब ये अब मैं आपको नेशनल पार्टीज, हम नेशनल पार्टीज की लिस्ट कर रहे हैं, नेशनल पार्टीज। इसमें अब हर एक पार्टी के बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, राइट आइडियोलॉजीज ऑफ, ठीक है। तो आपने एटलीस्ट हर पार्टी के बारे में 5-6 लाइंस जो है वो आपको याद होनी चाहिए। कोई भी पार्टी का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो AITC, इसकी फुल फॉर्म याद रखो, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्लियर। अब ये पार्टी जो थी AITC पार्टी, लॉन्च कब हुई थी? 1 जनवरी 1998 को लॉन्च हुई। लॉन्च का मतलब होता है बनी, इन्होंने अपनी मतलब जो है पार्टी की फाउंडेशन जो है, ईयर याद रखो। इनकी लीडर, इनके लीडर का नाम ममता बनर्जी, ठीक है। पार्टी के लीडर का नाम आपको आ सकता है ममता बनर्जी। लेकिन इसको रेकोगनाइज का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ने इसको रेकोगनाइज कौन से ईयर में किया? 2016। इलेक्शन कमीशन ने इस पार्टी को रेकोगनीशन कब दी? 2016। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास। पार्टी का सिंबल क्या है? फ्लावर एंड ग्रास। इसका मतलब क्या है? अब आपको हर पार्टी की फुल फॉर्म, उनका ईयर, फाउंडिंग ईयर, अगर फाउंडिंग ईयर दिया हुआ है, उनके सिंबल्स, सिंबल को याद रखना है, ठीक है। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास, ठीक है। एंड उनकी आइडियोलॉजी, पार्टी की आइडियोलॉजी मेन क्या है? सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। कुछ वर्ड्स याद रखिए, सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, पार्टी की आइडियोलॉजी। मतलब पार्टी जो है वो किस पे बेस है, किस पे बिलीव करती है? कंट्री में सेकुलरिज्म डेवलप होना चाहिए, फेडरलिज्म जो है वो और ज्यादा रूट, मतलब उसको और ज्यादा जो है वो डेवलप करना चाहिए, ठीक है। एंड इस पार्टी का मेन, जिसे हम कहते हैं कि कहाँ पे इसका मेन जो है वो कंट्रोल कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस पार्टी का मेन जो कंट्रोल जो है वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी, वेस्ट बंगाल में तो है, सिंस 2011 से ये पार्टी पावर में है वेस्ट बंगाल में। तो कितना लंबा जो है इस पार्टी ने वहां पे होल्ड है, इस पार्टी का रूल है वहां पे, ठीक है। तो कोई भी लाइन से रिलेटेड, कोई भी लाइन आपको आ सकती है, आपको रेकोगनाइज करना है। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग पार्टीज के, तो आपको रेकोगनाइज करना है कि आप ये इन्फॉर्मेशन किस पार्टी के बारे में, वो तभी होगा जब आप हर पार्टी की आइडियोलॉजी को अच्छी तरह से रीड करोगे और लर्न करोगे, ठीक है। ऑल्सो हैज अ प्रेजेंस इन सम ऑफ द स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अलावा अरुणाचल प्रदेश, देन मणिपुर, त्रिपुरा, और भी बहुत सी स्टेट्स हैं जहां पे इनका होल्ड है। अब आ जाइए लास्ट इलेक्शन रिजल्ट, लास्ट इलेक्शन रिजल्ट मतलब 2019 का रिजल्ट, वो भी मैटर करता है, ठीक है। पिछला रिजल्ट मैटर करता है कि 2019 में इस पार्टी ने कितनी सीट्स जो है वो ली, लास्ट लोकसभा इलेक्शंस
2019 में जब इलेक्शंस हुए तो इस पार्टी ने इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 2019 इट गॉट 4.07% वोट्स एंड 122 सीट्स टोटल इनको कितनी सीट्स मिली 22 सीट्स लोकसभा की 22 सीट्स जो है वो AITC की अब फोर से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये कौन सी पार्टी है नेशनल पार्टी और कितने वोट्स मिले हैं या फिर मैंने आपको बताया था या सीट्स या वोट्स ठीक है तो आप ये याद रखो 4.07 इनको वोट्स पड़े और टोटल सीट्स जो है वो कितनी है 22 सीट्स मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा तो ये इन्फॉर्मेशन AITC की इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड आपको आइडियोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू लर्न 5 सेंटेंसेस 5 लाइन्स इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर आपकी कवर करनी चाहिए फाउंडिंग ईयर याद रखो रिकॉग्नाइज कब हुआ उनकी आइडियोलॉजी उनका जो है वो लास्ट लोकसभा का रिजल्ट क्या है ठीक है और कौन सी स्टेट में है तो कोई भी आपको स्टेटमेंट यानी कि इस पैराग्राफ में जो भी लाइंस हैं उन लाइंस से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आ सकती है एनी डाउट रिगार्डिंग AITC यस बेटा फर्स्ट नेशनल पार्टी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है दैट इज AITC अभी तक मैंने आपके साथ डिफरेंस शेयर किया है कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में क्या डिफरेंस होता है क्लियर अब हम करेंगे सेकेंड इज BSP ये भी नेशनल पार्टी है आपको पता होना चाहिए सपोज क्वेश्चन आ सकता है फोर पार्टीज नेम्स ऑफ फोर पार्टीज विल बी गिवन यू हैव टू फाइंड विच इज नेशनल विच इज स्टेट कौन सी पार्टी नेशनल है कौन सी स्टेट है ये तभी पता होगा जब आपको अच्छी तरह से पार्टीज के बारे में पता होगा ठीक है आइडियोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ो देन सेकेंड इज BSP फुल फॉर्म बहुजन समाज पार्टी सिंबल एलिफेंट आजकल तो आप इलेक्शंस में देखोगे जब नॉमिनेशन जो है वो 21 जनवरी तक सभी पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन दे देंगी तो अब हर पार्टी का सिंबल जो है वो आपको जो है वो या तो पैम्फलेट्स या डोर टू डोर कन्विंसिंग में आपको याद हो जाएंगे है ना तो इसके बाद फिर इसका फाउंडिंग ईयर कौन से ईयर में ये पार्टी बनी ईयर याद रखो 1984 दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1984 ठीक है और जिस टाइम पीरियड में ये पार्टी बनी थी उस टाइम पीरियड में इनके लीडर कौन थे कांशीराम फाउंडर मेंबर कांशीराम ठीक है नाम याद रखो जिस टाइम पे में ये पार्टी बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम इनके फाउंडर मेंबर जिन्होंने इस पार्टी को बनाया ठीक है एंड इसके जो इस पार्टी का मेन जो आइडियोलॉजी है किनके लिए मेन जो है वो वर्क करती है दलित OBCs ठीक है ये मेन आपने बताना है दलित आदिवासी एंड OBCs दलित आदिवासी एंड OBC OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस ये पार्टी बेसिकली दलित आदिवासी एंड OBCs जो है वो उनके राइट्स के लिए फाइट करती है रिलीजियस माइनॉरिटीज जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए मेन फाइट करती है एंड इस पार्टी के बेसिक जो आइडियाज हैं यानी कि ये पार्टी जो है वो किनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है किनकी आइडियोलॉजीज जो है उनसे इंस्पायर्ड है जैसे डॉक्टर BR अंबेडकर ठीक है साहू महाराज जिन्होंने दलित के लिए बहुत काम किया तीन चार आप इनके नाम याद रखो साहू महाराज डॉक्टर BR अंबेडकर ज्योतिबा फूले ये आपने सारा 7th-8th में पढ़ा है जो सोशल रिफॉर्मर्स थे ईवी रामा स्वामी पेरियार ये भी आपने 7th में पढ़ा हुआ है कि जिन्होंने कास्ट सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म किया तो ये 4-5 नाम याद रखो बाबा साहब अंबेडकर देन साहू महाराज देन ईवी रामा स्वामी पेरियार जिनको पेरियार भी कहा जाता है ज्योतिबा फूले ठीक है तो ये मेन नाम याद रखो कि जिन ये भी एक पॉइंट ऐड कर लो लाइक फुल फॉर्म लिखकर उसका ईयर देन उनके फाउंडर मेंबर किस पार्टी इनकी आइडियोलॉजी बेसिकली किनके लिए है ठीक है देन किन से इंस्पायर है किन की आइडियोलॉजी से इंस्पायर है ठीक है वो आप याद रख सकते हो इसके बाद देन स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स ये आपने इसमें कवर कर दिया हुआ है ठीक है अपोज
एंड इट्स मेन बेस, मेन बेस कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश. इसका मेन बेस, मेन बेस का मतलब है कि सबसे ज्यादा मतलब पावर, सबसे ज्यादा लोक सपोर्ट जो है वो किस स्टेट में है. मेन बेस कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश. लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी स्टेट्स कवर करती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब. ठीक है, तो ये स्टेट्स बतानी है आपने कि कौन, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी स्टेट्स हैं. एंड इसके बाद फिर आपने बताना है दैट फॉर्म गवर्नमेंट, यानी कि जो करंट गवर्नमेंट यानी कि यूपी की जो गवर्नमेंट है कितनी बार बीएसपी के अंडर बनी है. और इसके बाद फिर इनके लोकसभा के करंट जो लास्ट लोकसभा का रिजल्ट जो मतलब जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे कितनी सीट्स मिली इनको इलेक्शंस में? 10 सीट्स. बीएसपी को कितनी सीट्स मिली? 4 से ज्यादा हैं, 10 सीट्स हैं. तो ये है नेशनल पार्टी. ठीक है, तो आपने ये बताना है कि लोकसभा के इलेक्शंस में इसको 10 से ज्यादा 10 सीट्स मिली हैं, तो जो 4 से ज्यादा हैं इसलिए ये नेशनल पार्टी. क्लियर? तो ये है बीएसपी की आइडियोलॉजी. हाँ जी अंशिका. यस मैम, जो हमने एआईटीसी में उसकी किया कि लॉन्च ऑन 1st जनवरी, तो उसका मतलब भी यही है कि फॉर्म्ड ऑन, जैसे हमने बीएसपी का किया कि लॉन्च मतलब फॉर्म्ड. ठीक है, फॉर्म मतलब जब बनी थी, अनाउंस हुआ. जैसे अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहेंगे तो 1885 बाय एओ ह्यूम. इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो ऐसे लिखेंगे. ठीक है, क्लियर? यस मैम. ओके, यस मैम, थैंक यू मैम. हाँ जी, इसके बाद थर्ड बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. अब सेम, सबसे पहले सिंबल, हर पार्टी का सिंबल. ठीक है, इसका सिंबल क्या है? लोटस. उसके बाद वैसे बेसिकली देखा जाता है ये ईयर, अगर ईयर की बात करें तो 1982 में इसका नेम अनाउंस हुआ था. 1982 नेम अनाउंस हुआ था कि ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी है. लेकिन अल्टीमेटली इसका बेस पुराना, एक पुरानी एसोसिएशन, पुरानी एसोसिएशन से, यानी कि उसको रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है कि एसोसिएशन थी, उस इसका नेम चेंज करके इसको क्या रखा गया? भारतीय जनता पार्टी. और इसको क्या कहते हैं? पहले इसका नाम क्या था? भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ. पहले ये सिर्फ एसोसिएशन थी. जनसंघ का मतलब आरएसएस जिसे हम कहते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं या काइंड ऑफ अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं. तो पहले ये था भारतीय जनसंघ, उसको रिवाइव की, रिवाइव किया का मतलब क्या होता है? इसका नेम चेंज किया. और उसके बाद ये क्या बनी? पार्टी बनी. और पार्टी बनी, ठीक है, तो कौन से ईयर में इसका नाम, 1982 में इसका नेम चेंज किया, भारतीय जनता पार्टी. ठीक है, और भारतीय जनसंघ, अगर आपको ये आता है कि भारतीय जनसंघ कब बना था, संघ मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी नाम आया 1982 से बीजेपी का नाम जो है वो आया. उससे पहले इसका नाम क्या था? भारतीय जनसंघ था. लेकिन तब ये पॉलिटिकल पार्टी, मतलब तब ये इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करते थे, तब ये अलग अलग एक्टिविटीज थी इनकी, जस्ट सोशल सर्विस एक्टिविटीज. ठीक है, और भारतीय जनसंघ किसने बनाया? सपोज अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो आएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन से ईयर में? 1951. ठीक है, भारतीय जनसंघ कब बना? 1951. इसका नेम चेंज होकर क्या बना? भारतीय जनता पार्टी. और भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मड इन, अगर ये आपको आता है विच, इन विच ईयर इट वॉज फाउंडेड या इन विच ईयर इट वॉज फॉर्मड, पार्टी कब बनी? 1982. लेकिन इसका नाम पहले क्या था? भारतीय जनसंघ. और भारतीय जनसंघ जो है वो कौन से ईयर में बना? 1951. किन्होंने बनाया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी. क्लियर? तो ऐसे इसको याद रखना. इसके बाद इनका मेन जो है वो आइडियोलॉजी क्या है?
दिस पार्टी वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, ये एक इंटीग्रेटेड कंट्री बनाना चाहती है, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, जिसमें इनका मतलब मेन जो है वो थीम क्या है, कल्चरल नेशनलिज्म, ये इनका थीम है, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व, यानी कि ये इंडियन कल्चर उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, नेशनलिज्म यानी कि इनका जो नेशनलिज्म है वो कल्चर जो है उसके ऊपर बेस है, ठीक है। सेकंड इनका जो है वो मेन था इनकी फुल टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि बीजेपी से पहले जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, तो बीजेपी के आने के बाद आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया, अब जे एंड के जो है वो एक स्टेट नहीं बल्कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो इनके मैनिफेस्टो में क्या था, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जरूर बताना है आपने, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के, ठीक है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो इनका मेन थीम था, और इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया, और इन्होंने आर्टिकल 370 अबॉलिश करके जम्मू एंड कश्मीर का जो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अबॉलिश करके नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और अब ये क्या है, ये यूटी है, अब ये स्टेट नहीं है, इनको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा और क्या इनकी आइडियोलॉजी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरी कंट्री के लिए एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर के अलग थे, ठीक है, इंडिया मतलब जो हमारी स्टेट्स हैं उनके अलग थे, लेकिन अब क्या है, पहले क्या था कि इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, तो कुछ डिफरेंट थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री, चाहे कोई भी है, किसी भी तरह से कोई भी रिलीजन है या कोई भी सेक्टर है, किसी भी तरह से सबके लिए एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। देन इट सपोर्ट बेस इंक्रीज आफ्टर 1990s, मतलब ये बताओगे कि 1990 से पहले कांग्रेस का मेन ट्रेंड था, 1990 से पहले कांग्रेस का ट्रेंड था, 1990 के बाद बीजेपी जो है उसकी इंपॉर्टेंस, मतलब 1982 के लेकर 90 तक इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन 1990 के बाद लोगों को बीजेपी के बारे में ज्यादा पता लगा और ये ज्यादा एक्टिव हुई, ठीक है। इसके बाद फिर आपने ये बताना है पावर, पावर में कब आई है, 1998 में ये पावर में आए, कंटिन्यू किया, मतलब पिछले 5 years में भी, इस साल फिर से इनको कंटिन्यू किया गया। तो हमने बताना है इनकी अलायंस, बीजेपी की अलायंस मेन किनके साथ है, एनडीए, यानी कि बीजेपी के अलावा और भी छोटी छोटी पार्टीज हैं, और इसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्लियर। तो अभी इतना टाइम इज ओवर नाउ, तो रेस्ट आई विल डिस्कस, अभी इस पार्टी के बारे में और भी है, इसके करंट इलेक्शन सीट्स कितनी सीट्स वो हमने बतानी है, ठीक है, उसके बाद हम और भी नेशनल पार्टीज करेंगे। टिल दैट आई हैव कवर्ड, इट इज क्लियर टू यू, वट एवर आई हैव कवर्ड, इट इज क्लियर टू यू, एनी डाउट, एनी डाउट बेटा, ओके बेटा, आई एम गोइंग टू एंड।